हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। ठीक फ्रेंड, तो जो हमारा पिछला टॉपिक था बीटीसी का, वो हमारा एलसीएम और एससीएफ था। ठीक, अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं, हम आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक फ्रेंड्स, तो अब उसके हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो आपका है परसेंटेज। क्या है आपका? परसेंटेज। ठीक, प्रतिशत। ठीक, परसेंटेज। तो जो आपके बीटीसी लेवल में है तो उसके ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते, परसेंटेज से बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो समझेंगे परसेंटेज कहलाती क्या है। ठीक, प्रतिशत इसका मतलब समझेंगे। प्रतिशत, अब प्रति, देखो हमने विज्ञान में पढ़ा बहुत सारे मात्रक पढ़े गए, जैसे जैसे मान लो त्वरण का पढ़ा, जैसे ठीक क्या होता था, मीटर प्रति और सेकंड स्क्वायर। तो प्रति का मतलब क्या होता था, बटे में होता था, मान के एम बटे एस मतलब सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे ही प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है, डिवाइड यानी कितना, बटे। और सत, सत देखो प्रति का मतलब होता है आपका ये बटे वाला सिंबल, और सत का मतलब कितना होता है आपका सौ। सत का मतलब कितना होता है आपका सौ, जिसके बटे में सौ हो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रतिशत। ठीक, और ऊपर क्या लिख सकते हैं आप, एक नंबर। ठीक, तो प्रतिशत का मतलब होता है वन बटे सौ। कैसे, देखो समझो, जैसे मैंने कहा दो प्रतिशत, जैसे लिखा दो प्रतिशत, तो दो तो है, अगर हम प्रतिशत करेंगे यहाँ से सिंबल हटाना है, चिन्ह हटाना है, तो क्या होगा गुणा। ठीक, और बटे में कितना होगा, एक बटे सौ। गुणा मतलब सीधा सौ का क्या दे देंगे हम, भाग, या प्रतिशत का मतलब होता है बटे में कितना, सौ। ठीक, तो देखेंगे तो इसका उसको हम क्या लिख सकते हैं, दो प्रतिशत को वन बाई फिफ्टी क्या लिख सकते हैं हम, एक बटे पचास, यानी आपका देखो भिन्न के रूप में आ गया, अंश बटे हर के रूप में आ गया। ठीक, अंश बटे हर के रूप में आ गया। ठीक, अब जैसे बोल रहे हैं दस प्रतिशत। ठीक, दस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, दस, और जब भी प्रतिशत का चिन्ह आता है तो क्या होगा, वन बटे कितना होगा, सौ, क्योंकि प्रतिशत का ही मतलब होता है कितना, वन बटे सौ। या तो ऐसा लिख दें एग्जाम में या ऐसे हिंदी में लिख दें, दस प्रतिशत, ये दोनों का मतलब क्या है, सेम है आपका, चाहे ऐसा सिंबल लगा दें प्रतिशत का या ऐसे लिख दें, तो ये क्या होगा आपका, प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में कितना, सौ। ठीक, तो फ्रेंड्स हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखेंगे आप, जैसे देखो सिंपली इसको लिखते हैं कैसा, जैसे लिखा है एक्स का एक प्रतिशत, तो काय का एक्स, एक्स और का मतलब पढ़ते आए क्या होता है, गुणा। ठीक, और ए प्रतिशत, अब देखो ए तो लिखा तो एक आधा गुणा, और प्रतिशत का मतलब कितना है, डिवाइड में कितना करना पड़ता है, सौ, यानी सौ का क्या देना पड़ता है, भाग, चाहे आप एक बटी सौ लिख लो या सीधा सौ का क्या दे दीजिए आप, भाग दे दीजिए। ठीक, अब देखो इसके एग्जाम्पल, पचास का पांच प्रतिशत कितना होगा। ठीक, अब देखो पचास का मतलब क्या होगा आपका, गुणा पांच प्रतिशत, पांच प्रतिशत का देखो पांच प्रतिशत। ठीक, अगर हम प्रतिशत का क्या हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, प्रतिशत का क्या हटाएंगे, चिन्ह। देखो जैसे पचास का मतलब हो गया गुणा पांच प्रतिशत, यानी पचास गुणे पांच, और प्रतिशत का मतलब कितना होता है, सौ, प्रतिशत का मतलब कितना होता है, सौ, यानी पचास एकम पचास, और पचास गुणे कितना हो जाएगा, सौ, यानी काट दीजिए आप, दो दो चार, दो पंची दस, यानी कितना होगा, दो दशमलव पांच होगा। ठीक, पचास का पांच प्रतिशत कितना होगा, दो दशमलव पांच। ठीक, अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, रुपया डेढ़ सौ का बारह परसेंटेज कितना होगा। ठीक, मतलब एक व्यक्ति के पास मान लो डेढ़ सौ रुपए है, उसको हमें कितना परसेंट निकालना है, बारह परसेंट। तो देखो डेढ़ सौ का मतलब होता है आपका गुणा और बारह परसेंट, परसेंट का मतलब कितना होता है बटे में कितना, सौ। ठीक, बिंदी से बिंदी काट दीजिए आप, पांच दो नहीं दस, पांच किया पंद्रह। ठीक, अब दो से बारह काट लीजिए, दो छक्के बारह, यानी आपका क्या बच्चा, तीन गुणा में कितना, छह, यानी छह दिया अठारह, ये क्या हो गया आपका, डेढ़ सौ का बारह प्रतिशत। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते, डेढ़ सौ का मतलब होता है गुणा और बारह, बारह बारह का गुणा और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में कितना, सौ। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 240 लीटर का 10 प्रतिशत कितना होगा। तो 240 और का लगा है यानी गुणा, ठीक, लीटर का यानी गुणा 10, और परसेंटेज का मतलब कितना होता है डिवाइड में, 100। ठीक, अब एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, एक बिंदी से एक बार एक बिंदी कट गई,
यानी फाइनली हमारा कितना बचा 24, तो ये क्या रहेगा आपका 24 लीटर होगा आपका। 240 लीटर का 10% कितना होगा आपका 24 लीटर। ठीक, अब देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब दिया 44% को साधारण भिन्न में बदलिए, मतलब जो 44% है देखो 44 और देखो इसने प्रतिशत लिखा है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 44%। अब इसे हमें क्या बनना है साधारण भिन्न में, भिन्न मतलब अंश बटे हर में, तो 44 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है डिवाइड में कितना 100, यानी हो गया अंश बटे क्या हो गया आपका हर। ठीक, अब इसे हम काट लेंगे। ठीक, इसको थोड़ा छोटा सरल करेंगे भिन्न के लिए। देखो दो से डिवाइड जाएगा, इसमें भी जाएगा और उसमें भी जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग होगा और इसका इकाई का अंक कितना है 4, इसलिए दोनों में जाएगा। तो दो दूनी चार, दो दूनी चार और दो पंचे 10, यानी अभी फिर जा सकता है। ठीक, तो एक बार और दे दीजिए, दो एकम दो और दो दूनी चार, एक बचा है 25, दो पंचे 10, यानी 11/25। ये क्या हो गया आपकी 44%, तो हमने क्या बदल दिया सिंपल भिन्न में बदल दिया, साधारण भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है आपका देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखो भिन्न 3/5 को, अब देखो लिखा है जो भिन्न है 3/5 को, अब हमें कहां बदलना है प्रतिशत रूप में लिखना है कि 3/5 कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत रूप में लिखना। अभी देखो हमने प्रतिशत से लिखा था भिन्न रूप में, अब भिन्न से यहां से देखो भिन्न से कहां लिखना है आपको जाइए तक प्रतिशत में। तो देखो तो अब जब भिन्न से प्रतिशत में लिखेंगे तो 100 से क्या करेंगे गुणा, 100 से क्या करेंगे गुणा। देखो जैसे 3/5 को मैं परसेंटेज के रूप में लिख रहा हूं तो 3/5 और काय के रूप में लिख रहा है प्रतिशत के अंक देख से गुणा करेंगे 100 से। ठीक, अब काट दीजिए 5 2 10 और 0 का 0, यानी कितना हो गया 3/20, यानी 30 2 कितना हो गया 7%, कितना आ जाएगा आंसर 7%। ठीक, इस प्रकार हम कुछ एग्जांपल और लिखते हैं बोर्ड पर। ठीक, तो देखेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आया आपका 24 80 का कितना प्रतिशत है, तो जो 24 है हमें बताना है वो किसका 80 का, यानी 80 कहाँ पे आएगा आपके बटे में और गुणा कितना रहेगा आपका 100। ठीक, 24 80 का कितना प्रतिशत है, तो जो आगे है वो आगे आ जाएगा और जो बाद में वो बटे में लिख लेंगे। ठीक, का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा है हम क्या किससे गुणा करेंगे 100 से, जब देखो प्रतिशत दिया हो तो उससे भाग देते हैं और जब उससे पूछा जाए प्रतिशत तो उससे क्या करते हैं गुणा। ठीक, अब देखो बिंदी से बिंदी काट लीजिए, आएगा हमारा 16 8 24 यानी 3 और बड़े कितना 10, यानी कितना हो जाएगा आपका 30% हो जाएगा, जो 24 है वो 80 का कितना प्रतिशत है आपका 30 है। ठीक, इसी प्रकार 6 120 का कितने प्रतिशत है, तो 6/ कितना 120 और गुणा कितना आपका 100। ठीक, बिंदी से बिंदी अब और 6 से काट दो, 6 2 12। ठीक, अब क्या बचा आपका ऊपर 10 है, नीचे कितना है 2 2 5 10, यानी कितना प्रतिशत है आपका 5% है। ठीक, जो 6 है वो 120 का कितना प्रतिशत है आपका 5% है। ठीक, और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति ने 300 रुपए के आम खरीदे। ठीक, एक व्यक्ति ने कितने रुपए के आम खरीदे 300 के, तो 300 रुपए का 12% कितना होगा। ठीक, 300 रुपए का 12%, तो 300 रुपए का देखो यहाँ पे क्या आ गया, कहा आ गया ना, कहा आ गया मतलब क्या होगा गुणा, कितना प्रतिशत 12। ठीक, और प्रतिशत मतलब कितना होता है बटे में कितना होता है 100। ठीक, बटे में कितना होता है 100, दो बिंदी से दो बिंदी, यानी क्या बचे आपका 12 गुणा कितना 3 12 3 36, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, 300 रुपए का कितना प्रतिशत 12%। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका बहुत ही छोटा था, परसेंटेज अक्षेत्र इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादा हार्ड लेवल आते नहीं है, वरना मैं आपको वो भी बताता। ठीक, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।